हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू लोगो। बट बिफोर स्टार्टिंग अ लोगो, लेट्स सी अबाउट प्रोग्रामिंग। यू स्पीक टू ईच अदर यूजिंग अ लैंग्वेज, विच लैंग्वेज डू यू यूज मोस्ट ऑफन? हम सब लोग आपस में जब कम्युनिकेशन करते हैं, कुछ बात करते हैं, तब हम कौन सी लैंग्वेज मोस्टली यूज करते हैं? वो लैंग्वेज हम मोस्टली यूज करते हैं जो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके और इजीली स्पीक कर सके। ओके, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। दे हैव लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन। कंप्यूटर के पास अपनी लैंग्वेजेस है। सो टू टेल कंप्यूटर्स व्हाट टू डू, यू हैव टू लर्न देयर लैंग्वेजेस। इसीलिए अगर हमें कंप्यूटर में कुछ भी वर्क करना है, कंप्यूटर को कोई भी कमांड देना है, कंप्यूटर को ये बताना है कि उसे क्या करना है, तो इसके लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जो वर्क आप लोग कंप्यूटर में करते हो, तो आपको क्या लगता है, आप कंप्यूटर में ए टाइप करते हो तो कंप्यूटर समझता है ए क्या है? नहीं, कंप्यूटर नहीं समझता व्हाट इज ए बी सी 1 2 3, नथिंग। Giving an instruction to a computer in computer language is known as coding. Computer को computer की language में हम कुछ भी instruction देते हैं, कुछ भी write down करते हैं, उसको हम coding कहते हैं। क्या कहते हैं? Coding. The process of writing a computer code is called programming. जो writing करते हैं हम computer का code, तो writing की जो process है उसको हम कहते हैं programming. इट मीन्स कि जो लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं, वो लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर के पास अपनी लैंग्वेज होती है, तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है, उसको हम कहते हैं कोडिंग। और जो कोडिंग हम राइट डाउन करते हैं कंप्यूटर में, जो कोड राइट डाउन करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोग्रामिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट इज लोगो। MSW लोगो इज अ सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कैन चिल्ड्रन कैन इजीली लर्न। तो MSW लोगो क्या है? MSW लोगो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। जैसे हमारी लैंग्वेजेस है गुजराती, हिंदी, तमिल, इंग्लिश एंड सो ऑन, वैसे ही MSW लोगो कंप्यूटर की एक सिंपल लैंग्वेज है जिसको चिल्ड्रंस इजीली लर्न कर सकते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ लोगो इज लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LOGO? लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। लोगो इज मेनली यूज टू ड्रॉ शेप्स एंड पिक्चर्स, टू डू सिंपल कैलकुलेशन एंड टू प्रिंट टेक्स्ट। लोगो का क्या यूज होता है मेनली? लोगो का यूज शेप्स ड्रॉ करने के लिए, पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, और जो है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, या फिर अगर हमें कोई टेक्स्ट प्रिंट करनी है तब हम लोगो का यूज कर सकते हैं। ओके, तो समझ में आ गया आपको? MSW लोगो कंप्यूटर की एक सिंपल लैंग्वेज है जो चिल्ड्रंस इजीली लर्न कर सकते हैं। लोगो का फुल फॉर्म है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। लोगो का मेनली यूज शेप्स ड्रॉ करने के लिए, पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए और टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए यूज होता है। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू स्टार्टिंग अ लोगो। फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू, स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो फोल्डर। देन आफ्टर हम स्क्रॉल डाउन करके माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो फोल्डर फाइंड आउट करेंगे और क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो। देन आफ्टर हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो जो है उस पर क्लिक करेंगे। देन आफ्टर अनदर वे इज चेक द डेस्कटॉप टू सी इफ यू हैव द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो आइकन। इफ यस, डबल क्लिक ऑन द आइकॉन टू ओपन लोगो। अगर हमारे पास डेस्कटॉप पर माइक्रोसॉफ्ट विंडो
लोगो का आइकन है, इट मींस कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो का शॉर्टकट है, तो सिंपली हम उस पर डबल क्लिक करके हमारा MSW लोगो स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ वी कैन स्टार्ट MSW लोगो, फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू, देन आफ्टर स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो फोल्डर एंड क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो। ओके, अनदर वे इज चेक द डेस्कटॉप। If we have a Microsoft Windows logo icon, then we can double click on it to open our MSW logo. Okay, let's see how we can open. First of all, ये हमारा desktop है, यहाँ पर जाकर हम scroll down करके find out करेंगे Microsoft Windows logo का folder. This one is our Microsoft Windows logo folder. यहाँ से हम Microsoft Windows logo पर क्लिक करके हमारा MSW logo start कर सकते हैं. Okay? तो ये है हमारे logo की main screen. Okay? Then after, let's see. Next, part of the logo window. आप लोगों ने देखा कि जैसे हमने यहाँ पर हमारा MSW लोगो स्टार्ट किया तो हमें हमारी स्क्रीन कैसे मिल रही है, सिमिलरली वैसे ही स्क्रीन यहाँ पर हमें इमेज में दी गई है। फर्स्ट वन जो यहाँ पर बार है उसको हम कहते हैं टाइटल बार। सॉरी, जैसी टाइटल बार हमारे MS वर्ड में थी वैसे ही यहाँ पर यह है हमारी टाइटल बार। देन आफ्टर मेनू बार, मेनू बार में आपको मेनूज डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेनूज है उसको हम कहते हैं मेनू बार। देन आफ्टर जो ब्लैंक वाइट एरिया है वो है मेन स्क्रीन और ग्राफिक स्क्रीन। क्या है वो, या तो हम उसको मेन स्क्रीन भी कह सकते हैं या तो ग्राफिक स्क्रीन भी कह सकते हैं। देन आफ्टर हियर इट इज कमांडर विंडो, एंड यहाँ पर जो है वो है कमांड इनपुट बॉक्स, इट मींस यहाँ पर हम कोई भी कमांड राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस है वो है कमांड रिकॉल लिस्ट। क्या है, कमांड रिकॉल लिस्ट। कमांड रिकॉल लिस्ट में वो सारे कमांड के रिकॉर्ड्स होंगे जो कमांड्स हमने परफॉर्म किए हैं। ओके, इट मींस कि यहाँ पर हमारे कमांड की हिस्ट्री होगी, जो हमने कमांड्स परफॉर्म किए हैं वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले होंगे। देन आफ्टर राइट साइड में है कमांड बटन, यहाँ पर आपको 6 कमांड बटन्स मिल रहे हैं। ओके, जिनका डिफरेंट डिफरेंट यूज है, ये हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे। देन आफ्टर इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इट इज टर्टल। ओके, जैसे हमारे वर्ड में हमारा एक स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन था जिसे हम कहते थे कर्सर, जैसे कर्सर था वैसे ही यहाँ पर है टर्टल। ओके, ये टर्टल हमें इंडिकेट करता है कि हमें क्या डिजाइन किया, हम कहाँ से हमारी ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, कहाँ पर हम हमारी पिक्चर ओवर करेंगे। ओके, तो दिस वाज मींस टर्टल। ओके, लेट्स सी, द लोगो विंडो इज डिवाइड इंटू टू स्क्रीन। लोगो विंडो डिवाइड इंटू टू स्क्रीन, हाउ मेनी स्क्रीन, हमारी लोगो की जो विंडो है वो दो स्क्रीन में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन है मेन स्क्रीन एंड सेकेंड वन है कमांडर विंडो। फर्स्ट वन स्क्रीन है उसको हम कहते हैं मेन स्क्रीन एंड सेकेंड जो है उसको हम कहते हैं कमांडर विंडो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट स्क्रीन है इतनी, ये जो स्क्वायर बॉक्स है उसको हम कहते हैं मेन स्क्रीन, एंड अनदर इज कमांड विंडो। ओके, तो हमारा जो लोगो का स्क्रीन है वो दो स्क्रीन में डिवाइडेड है। ओके, द मेन स्क्रीन इज द विंडो वेयर एज पिक्चर आर ड्रोन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्राफिक स्क्रीन। जो मेन स्क्रीन है हमारे विंडो की जहाँ पर हम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं उसको हम मेन स्क्रीन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्राफिक स्क्रीन, उसको हम ग्राफिक स्क्रीन भी कह सकते हैं। ये जो हमारी मेन स्क्रीन है
वहाँ पर हम हमारे पिक्चर यहाँ पर हम हमारे पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारी मेन स्क्रीन, उसको हम ग्राफिक स्क्रीन भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन द सेंटर ऑफ द मेन स्क्रीन यू कैन सी अ स्मॉल ट्राइंगल कॉल्ड द टर्टल। हमारी मेन स्क्रीन के सेंटर में हमें एक स्मॉल ट्राइंगल मिल रहा है जिसको हम कहते हैं टर्टल। ये है वो ट्राइंगल जिसको हम क्या कहते हैं, टर्टल। द टॉप पार्ट ऑफ द टर्टल इज कॉल्ड द हेड एंड द बॉटम इज कॉल्ड द टेल। हमारे टर्टल का जो टॉप पार्ट है, इट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं हेड, एंड जो बॉटम पार्ट है उसको हम कहते हैं टेल। बॉटम पार्ट यानी कि ये लाइन, इट इज अ बॉटम पार्ट एंड इट इज अ टॉप पार्ट। ये है हेड एंड दिस वन इज टेल। ओके, द टर्टल ओबे लोगो कमांड्स, इट मूव ऑन द मेन स्क्रीन एंड ड्रो अ फिगर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन। हम जो लोगो कमांड्स परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा टर्टल मूव होता है और हमारी मेन स्क्रीन में वो फिगर ड्रॉ होती है हमारे इंस्ट्रक्शन जो हमने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, जो इंस्ट्रक्शन हम हमारे कमांडर विंडो में से प्रोवाइड करते हैं वह इसके अकॉर्डिंग हमारा टर्टल जो है वो हमारी मेन स्क्रीन पर मूव होता है और जो फिगर के जो कमांड्स हमने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी फिगर ड्रॉ होती है। ओके, द कमांडर विंडो इज स्मॉलर एंड इट एंड इज एट द बॉटम ऑफ द विंडो। दिस इज वेयर द इंस्ट्रक्शन और कमांड्स आर रिटन। जो हमारी कमांडर विंडो है वो स्मॉलर विंडो है और हमारी विंडो के बॉटम में कमांडर विंडो होती है। हम हमारी कमांडर विंडो में कमांड्स और हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उसको राइट डाउन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारी कमांडर विंडो है जो हमारी मेन स्क्रीन से साइज में स्मॉल है। यहाँ पर हम हमारे इंस्ट्रक्शन यानी कि हमारे कमांड्स राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, और हमारी कमांडर विंडो जो है वो हमारी लोगो की विंडो के बॉटम पार्ट में है। इट इज स्प्लिट इंटू टू सेक्शंस। हमारी कमांडर विंडो टू सेक्शन में स्प्लिट की है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर यह है फर्स्ट वन सेक्शन एंड इट इज सेकेंड सेक्शन। कमांड इनपुट बॉक्स एंड कमांड रिकॉल लिस्ट। फर्स्ट वन इज कमांड इनपुट बॉक्स एंड सेकेंड वन इज कमांड रिकॉल लिस्ट। सॉरी, यहाँ पर हमारी कमांडर विंडो ऐसे टू पार्ट में स्प्लिट है, फर्स्ट वन कमांड रिकॉल लिस्ट एंड सेकेंड वन कमांड इनपुट बॉक्स। ओके, फर्स्ट द कमांड इनपुट बॉक्स इज द व्हाइट बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द कमांडर विंडो। कमांड्स आर टाइप हियर। हमारा कमांड इनपुट बॉक्स जो है वो व्हाइट कलर का बॉक्स है जो हमारी विंडो के बॉटम में है, जहाँ पर हम हमारे कमांड्स टाइप कर सकते हैं, इट मीन्स कि राइट डाउन कर सकते हैं। टू एग्जीक्यूट अ कमांड प्रेस द एंटर की और क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। जो कमांड्स हमने राइट डाउन किए हैं हमें उसे एग्जीक्यूट करने के लिए जो एग्जीक्यूट का बटन है हम वहां पर भी क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर हमारे कीबोर्ड में जो एंटर की है उसको प्रेस करके भी हमारे कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देख सकते हो ये जो व्हाइट कलर का बॉक्स है वहां पर हम हमारे कमांड्स टाइप कर सकते हैं, उसको कमांड इनपुट बॉक्स कहते हैं, और जो कमांड्स हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ से एग्जीक्यूट बटन को क्लिक करके भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर हमारे कीबोर्ड में से एंटर की प्रेस करके भी वो कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड, द कमांड रिकॉल लिस्ट इज अ ग्रे बॉक्स अबाउट द कमांड इनपुट बॉक्स। जो कमांड रिकॉल लिस्ट है वो ग्रे कलर का बॉक्स है और वो कहाँ पर है, कमांड रिकॉल लिस्ट सॉरी कमांड इनपुट बॉक्स की अबव साइड। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है कमांड रिकॉल लिस्ट जो ग्रे कलर का बॉक्स है और वो कमांड इनपुट बॉक्स की अबव साइड में है। यहाँ पर इट डिस्प्ले द कमांड दैट हैव बीन एग्जीक्यूटेड। और हमारा जो
कमांड रिकॉल लिस्ट है वो हमें वो सारे कमांड्स डिस्प्ले करता है जो जो कमांड्स हमने एग्जीक्यूट किए हैं। इट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन टाइप इन द कमांड इनपुट बॉक्स, और उसमें सारी इंस्ट्रक्शन सारे कमांड्स होते हैं जो हमने कमांड इनपुट बॉक्स में राइट डाउन किए हैं। उस सारे कमांड्स का सारे इंस्ट्रक्शन का रिकॉर्ड रखता है कमांड रिकॉल लिस्ट। इट मींस कि जो कमांड्स हमने फायर किए हैं उनकी सारी लिस्ट कमांड रिकॉल लिस्ट में हमें मिलती है। ओके, देन आफ्टर लेट्स सी वर्कआउट मैच द कॉलम। फर्स्ट वन इज LOGO। लोगो क्या है? इट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। देन आफ्टर सेकेंड वन इज टर्टल। टर्टल क्या है? इट इज स्मॉल ट्राइंगल। देन आफ्टर थर्ड वन इज ग्राफिक्स स्क्रीन। ग्राफिक स्क्रीन इज ऑल्सो नोन एज मेन स्क्रीन। देन आफ्टर फोर्थ वन एंटर। Enter is used to execute command. Okay? Then after last one is recall list. What is recall list? It store records of all commands which we perform. Sorry. So, यहां तक आज हमने सीखा। हमने क्या क्या सीखा चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने सीखा व्हाट इज प्रोग्रामिंग। इट मींस कि प्रोग्रामिंग क्या है। जैसे हमारी लैंग्वेज है वैसे ही कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज है, और कंप्यूटर वही लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है जो लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम कहते हैं कोडिंग, और जो कोडिंग राइट डाउन करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। देन आफ्टर हमने सीखा व्हाट इज लोगो। MSW लोगो एक सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको चिल्ड्रन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। LOGO का फुल फॉर्म है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। लोगो का मेनली यूज शेप्स और पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए और टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। देन आफ्टर हमने सीखा कि हम कैसे लोगो को स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। देन आफ्टर स्क्रॉल डाउन करके माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो फोल्डर पर क्लिक करेंगे। देन आफ्टर हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो पर क्लिक करके हमारा MSW लोगो स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम अगर हमारे पास डेस्कटॉप पर लोगो का शॉर्टकट है तो हम उस पर सिंपली डबल क्लिक करके हमारा MSW लोगो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर हमने सीखा पार्ट्स ऑफ द लोगो विंडो। लोगो विंडो के कौन कौन से पार्ट्स है? टाइटल बार, मेनू बार, मेन स्क्रीन, कमांडर विंडो, टर्टल, कमांड रिकॉल लिस्ट, कमांड इनपुट बॉक्स एंड कमांड बटन्स। ये सारे MSW लोगो के पार्ट्स है। देन आफ्टर हमने सीखा हर एक पार्ट का यूज कि कैसे कौन सा पार्ट यूज होता है, जिसमें हमने सीखा हमारा MSW लोगो का विंडो टू स्क्रीन में डिवाइडेड है, मेन स्क्रीन एंड कमांडर विंडो। मेन स्क्रीन को हम ग्राफिक स्क्रीन भी कहते हैं। ओके, हमारी स्क्रीन के सेंटर में जो ट्रायंगल है उसको हम कहते हैं टर्टल। जो कमांड्स हम परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा टर्टल मूव होता है और हमारा शेप हमारी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ड्रॉ होता है। देन आफ्टर हमने सीखा कमांडर विंडो। हमारी कमांडर विंडो भी टू सेक्शन में स्प्लिट की गई है। फर्स्ट वन है कमांड इनपुट बॉक्स एंड सेकेंड वन है कमांड रिकॉल लिस्ट। कमांड इनपुट बॉक्स में हम सारे कमांड्स और इंस्ट्रक्शन टाइप कर सकते हैं जो हमें एग्जीक्यूट करना है, और कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम सिंपली एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करके भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और एंटर की हमारे कीबोर्ड में से प्रेस करके भी हमारा कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकेंड हमने सीखा कमांड रिकॉल लिस्ट। कमांड रिकॉल लिस्ट में वो सारे कमांड्स के रिकॉर्ड्स होते हैं जो जो कमांड्स हमने परफॉर्म किए।